Namaste, my dear students. Welcome to science class. And in today's class, we learn this chapter, that is chapter number 7, living and non-living things. Okay? ये जो chapter है, living and non-living things, ये तुम्हारा जो अगला exam है, that is November का जो exam है, इसमें है. तो इस chapter से आज हम क्या पढ़ेंगे? इस video में हम देखेंगे living और non-living things क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा लिविंग थिंग्स है कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे हमारे चारों ओर कितने सारे चीज है ठीक है बहुत सारे चीज हम देखते हैं इसमें से लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा है ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे ठीक है तो इधर देखो हमने इस साइड में लिखा है मैंने लिविंग थिंग्स और इस साइड में लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स ओके एंड देखो लिविंग थिंग्स के नीचे मैंने इधर एक बर्ड का पिक्चर बनाया ठीक है एक बर्ड का पिक्चर बनाया और नॉन लिविंग थिंग्स के नीचे मैंने टेबल का पिक्चर बनाया ठीक है अभी हम इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे देखो ये जो बर्ड है ये क्या करता है ब्रेड करता है ब्रेड करता है ठीक है मतलब सांस लेते हैं हम भी सांस लेते हैं ये जो बर्ड है ये भी सांस लेते हैं ठीक है लेकिन ये जो टेबल है ये सांस लेता है क्या ब्रेद करता है नहीं सो कांट ब्रेद कांट ब्रेद ठीक है दिस बर्ड कैन ब्रेद बट दिस टेबल कांट ब्रेद सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स Living things can breathe, but non-living things can't breathe. Okay. Next point is living things. देखो ये जो bird है ये क्या कर सकता है? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. मतलब क्या कर सकते हैं? वो move कर सकते हैं. जैसे हम भी क्या कर सकते हैं? चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. So living things move. Okay. Living things move. लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट मूव नॉन लिविंग थिंग्स क्या नॉन लिविंग थिंग्स ये टेबल जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा नहीं जा सकेगा इसको हमें ले जाना पड़ेगा ठीक है ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता सो नॉन लिविंग थिंग्स कांट मूव ओके नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये मूव नहीं कर सकता नहीं चल सकता ओके सो This is living things move and non-living things can't move. Then third number point is need food. ये जो bird है, okay? Bird को क्या चाहिए? जीने के लिए खाना चाहिए. ये हर रोज खाते हैं bird. हम लोग भी हर रोज खाना खाते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो table है, वो खाना खाते हैं क्या? नहीं खाते, ठीक है? ये खाना खाते हैं? नहीं खाना खाते. So, don't need food. मतलब क्या है? Non-living जो things है, इसे खाना नहीं चाहिए. But, जो living things है, इसे खाना चाहिए. इसे जीने के लिए खाना चाहिए. तो ये भी living things का एक character है. Then, grow with time. Time, okay. ये जो living things है, ये bird क्या है? पहले छोटे से bird थे, इसके बाद धीरे-धीरे समय के साथ क्या हुआ? Bird बड़ा हो गया. हम भी पहले क्या थे? जब हमारा जन्म हुआ, तब हम कैसे थे? छोटे से बच्चे थे, ठीक है? फिर से हम क्या हो गया? धीरे-धीरे time के साथ हम लोग बड़े हो गए. अभी हम लोग school में आ गए. तो living things grow with time, मतलब living things समय के साथ बढ़ते रहते हैं. But Non-living things can't grow. अपने घर में जो टेबल, चेयर ये चीज़ है, तुम लोग पहले जैसे इसे बाजार से खरीद के लाए थे, अभी भी ऐसा ही रह गया. ग्रो हुआ क्या? टेबल क्या बड़ा हो गया? और चेयर बड़ा हो गया? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ. So living things can't, non-living things can't grow. मतलब non-living things जो है, वो समय के साथ ग्रो नहीं होता. Then reproduce
reproduce. मतलब क्या है? ये जो बर्ड है इसका ये जो बर्ड जब बड़ा हो जाएगा तब बर्ड के छोटे बच्चे हो जाएंगे. मतलब क्या है? एक बर्ड से हमें दूसरा बर्ड मिलेगा. मतलब बर्ड और हम ह्यूमन बीइंग वो कर क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. हमें से बेबीज आते हैं, बर्ड में से बर्ड का एक छोटा सा बेबी आ जाएगा, ठीक है. लेकिन ये जो टेबल है इससे क्या हमें और एक छोटा सा टेबल मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है. सो कांट रिप्रोड्यूस मतलब नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. नॉन लिविंग थिंग्स कांट रिप्रोड्यूस. देन फील. फील फील मतलब क्या है? जब हमें कोई छूता है या हमें मच्छर काटते हैं या और हमें कोई हॉट ऑब्जेक्ट से हमारा हाथ ऐसे लग जाता है तो हमें क्या होता है? फील होता है. हम तुरंत क्या करते हैं? हाथ हटा लेते हैं. या कोई हमें मॉस्किटो अगर काटा है तो हम क्या करते हैं? तुरंत ही इसे मारने की कोशिश करते हैं. मतलब हमें क्या फील होते हैं? हम जब कोई चीज़ खाते हैं इसका टेस्ट हमें फील होता है, ठीक है. लेकिन जो ये टेबल है इसको क्या फील होता है? क्या ये खाना भी नहीं खाते, इसको मच्छर भी नहीं काटता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता. अगर तुम ऐसे टेबल पे ऐसे मारते रहो तो टेबल तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा. लेकिन अगर हमें कोई ऐसे मारते रहे तो हम क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना. सो हम क्या है? हम मतलब लिविंग थिंग्स हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट फील मतलब नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकता. तो देखो इधर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया है, जो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है. मतलब लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट ब्रेक. लिविंग थिंग्स कैन मूव बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट मूव. लिविंग थिंग्स नीड फूड खाना चाहिए, नॉन लिविंग को नहीं चाहिए. ग्रो कर सकता है लिविंग थिंग्स, टाइम के साथ ग्रो करेगा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करेगा. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट रिप्रोड्यूस. ओके. एंड लिविंग थिंग्स फील कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स कांट फील. सो ये ऐसे हम पहचानेंगे हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है. जैसे कि लिविंग थिंग्स क्या है? हमारे पास बर्ड्स है, हम हैं, हैन है, टाइगर, एलिफेंट, दिस ऑल आर लिविंग थिंग्स एंड ट्री ऑल्सो लिविंग थिंग्स. बट दिस सी आई हैव वन मार्कर, दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स. दिस बोर्ड, दिस व्हाइट बोर्ड ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. सो इन टूडेज वीडियो वी लर्न लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. सो एवरी वन लर्न इट प्रॉपरली एट योर होम एंड मेक ए लिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर